कि तीसरी लहर से मासूमों को बचाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ मासूमों की कन्नौज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो खून खौलाने वाली है, क्योंकि दबंगों ने मासूमों को दी है तरबूज तोड़ने की तालिबानी सजा। मासूमों की जिंदगी की हिफाजत में एक तरफ योजनाएं हैं, सिस्टम है, और दूसरी तरफ है वो दबंग जिन्हें इन मासूमों की मामूली शरारत भी नागवार गुजर रही है, जिसकी एक शर्मनाक करने वाली तस्वीर कन्नौज से सामने आई। तरबूज तोड़ने की तालिबानी सजा, दबंग ने मासूमों को किया बेइज्जत। मामला कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है। खनियापुर गांव में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब दो मासूमों को सिर पर तरबूज रखकर और उनका मुंह काला कर दबंगों को घुमाते देखा। उनके कपड़ों पर दबंगों ने चोर लिख दिया था। इन मासूमों का गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने गांव के दबंग कमलेश राजपूत के खेतों से दो तरबूज तोड़ लिए थे, जिसके बाद पहले तो इन मासूमों की जमकर पिटाई की गई, फिर इनके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम देते हुए कालिख लगाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर चोर भी लिखा गया। उन्हें पकड़ लिया, फिर ले पाए गए, फिर समझते उन्हें मुझे मारा, को गिरा गिरा लातंत गोदंत गोदयंत। किसने मारा तुम्हें? कमलेश चरण, एक काला मुंह करा और फिर पीठी में छाती में चोर लिखा, फिर पूरे गांव घुमाया। उन्हें पकड़ो, फिर उन्हें लुटा लुटा मारो, बहुत ही बदतर। मासूमों के साथ इस हरकत की किसी ने तस्वीर खींच ली और वायरल कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया और मामले का संज्ञान खुद एसपी ने लिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और तलाश कर रही है। जनपद कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के खनियापुर गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से दो नाबालिगों की फोटो वायरल हुई थी, जिसमें उनके कपड़ों के ऊपर चोर लिखा हुआ था। इस संबंध में जब जाँच की गई तो पाया गया कि वहाँ पर एक रहने वाला कमलेश नाम का व्यक्ति है, जिसने तरबूज चोरी का आरोप लगाकर इस कृत्य को किया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हर किसी का बचपन शरारत से भरा होता है, लेकिन मासूम मन की इन शरारतों की ऐसी सजा बच्चों को बड़े अपराध की तरफ भी धकेल सकती है, इसलिए दबंगों को कानून का सबक सिखाना बेहद जरूरी है। कन्नौज से नित्या मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।